हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है। ए स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैच्यू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडस्टल इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडस्टल। पेडस्टल की क्या बताना, हाइट बतानी है। अब हम बता देते हैं एक स्टैच्यू है कितनी मीटर है, 1.6 मीटर टॉल है, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडस्टल। तो ये मेरा क्या है, इसको हम बोल देते हैं ये मेरा कोई पेडस्टल है। क्या है, पेडस्टल। पेडस्टल के ऊपर जो कितनी 1.6 मीटर टॉल जो है स्टैच्यू खड़ी हुई है, कितनी खड़ी हुई है, 1.6 मीटर की एक जो है स्टैच्यू मतलब इमारत खड़ी हुई है 1.6 मीटर की। किसके ऊपर, इस पेडेस्टल के ऊपर 1.6 मीटर की इमारत या स्टैच्यू खड़ी हुई है। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैच्यू इज 60 डिग्री। जो हमारा स्टैच्यू से एंगल बना रहा है, स्टैच्यू ये है वो हमारा ग्राउंड से और इसके टॉप स्टैच्यू से कितना बना रहा है, ये हमारा 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 60 डिग्री का, ठीक है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल, इस पेडेस्टल के टॉप से कितना बन रहा है एंगल, 45 डिग्री बन रहा है, ये हमारा 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो इस पेडेस्टल की इतनी हाइट इन्होंने पूछी है, जिसको हम क्या बोल देंगे, ये एच बोल देंगे, यहां से यहां के बीच की डिस्टेंस को एच बोलेंगे। ये हमने एच मान रखा है, इसको ये एच हो जाएगा, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, इनकी नेमिंग कर लेते हैं। नेमिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको नाम दे देते हैं, इसको ए बोल दिए, इस पॉइंट को बी बोले हैं, इसको सी बोले हैं और इसको डी बोलेंगे, ठीक है। ये हमारे पॉइंट हो गए। तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटे वाले ट्रायंगल से हम स्टार्ट करते हैं। कौन से वाले एंगल से, छोटे वाले। छोटा ट्रायंगल क्या है, बीसीडी। ट्रायंगल बीसीडी, इन ट्रायंगल बीसीडी, इन ट्रायंगल बीसीडी, ट्रायंगल बीसीडी में क्या होगा, एक तो हमें परपेंडिकुलर, यही तो हमें फाइंड आउट एक तरीके से करना, परपेंडिकुलर और बेस, हमारा दोनों नहीं पता है इसमें, ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर पता है ना बेस, क्योंकि ये हमें एच फाइंड आउट करना है और डीसी भी हमारा नहीं पता है। तो इन ट्रायंगल बीसीडी हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में किसमें परपेंडिकुलर आएगा और किसमें बेस आएगा। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिख देते हैं, पी बी पी अपॉन एच एच बी। परपेंडिकुलर पता होना चाहिए, बेस किसमें, टेन के फॉर्मूले में पता होगा, पी अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा की जगह पर एंगल कौन सा लेंगे, 45 डिग्री, क्योंकि हम कौन सा ट्रायंगल देख रहे हैं, बी सी डी। तो बी सी डी में हमारा यही वाला एक एंगल बन रहा है 45 डिग्री का। तो टेन 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू की बात करेंगे, एच परपेंडिकुलर में होगा, यही तो परपेंडिकुलर है एच जो हमने माना है। बेस की बात करेंगे तो हमारा क्या होगा, सी डी, ठीक है। टेन 45 का वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, तो 1 इक्वल टू एच अपॉन सी डी। 1 के डिनोमिनेटर में भी 1 लिखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सी डी का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, सी डी इक्वल टू 1 का एच में करेंगे एच। तो सी डी की वैल्यू मेरे पास निकल के आई एच, जिसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। तो सी डी की वैल्यू कितनी निकल के आई, एच। अब हम ट्रायंगल बात करेंगे बड़े वाले ट्रायंगल की, कौन से बड़े ट्रायंगल की, जब बड़े ट्रायंगल की बात करेंगे तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए सी डी। कौन सा लेंगे, ट्रायंगल ए सी डी। फर्दर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए सी डी, कौन से वाले, बड़े ट्रायंगल में देख रहे हैं। तो जो बड़े ट्रायंगल में देखेंगे तो हमें परपेंडिकुलर तो ये हो जाएगा और बेस, तो क्या करेंगे, टेन थीटा ही ले लेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू की बात करेंगे, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी, ये ए बी और ये बी सी, ए बी प्लस बी सी अपॉन सी डी, क्या हो जाएगा, सी डी, ठीक है। ए बी की वैल्यू कितना दे रखा, 1.6, और थीटा कितना हो जाएगा, 60 इसमें हो जाएगा, बड़े वाले ट्रायंगल के लिए 10 60 इक्वल टू ए बी की वैल्यू 1.6 प्लस बी सी की बात करेंगे, बी सी कितना दिया, एच दिया है, अपॉन सी डी की वैल्यू भी क्या दिया है, एच दिया है। ये हमने क्या करा, वैल्यू पुट कर दी, सी डी बराबर हमारा क्या दिया था, एच दिया था, हमने एच यहां पर पुट कर दिया। ए बी की वैल्यू 1.6 थी, ए बी वैल्यू पुट कर दी, बी सी की वैल्यू कितनी थी, एच थी, बी सी की जगह पर एच रख दिया। 1060 की अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। इधर हम फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, 1060 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू 1.6
प्लस एच अपॉन एच, ठीक है, ये हमने लिख दिया, डिवाइड में वन लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। एच का रूट थ्री के साथ करेंगे तो रूट थ्री एच इक्वल टू वन का मल्टीप्लाई 1.6 प्लस एच में करेंगे तो 1.6 प्लस एच ही निकल कर आएगा। एच हम क्या करेंगे, इस साइड ले आएंगे तो रूट थ्री एच माइनस एच इक्वल टू 1.6, ठीक। एच कॉमन में ले लेंगे, बचेगा क्या मेरे पास, रूट थ्री माइनस वन इक्वल टू 1.6। अब एच की हम वैल्यू निकालेंगे, एच इक्वल टू 1.6 अपॉन रूट थ्री माइनस वन, ये हमारा क्या पहुंच जाएगा डिनोमिनेटर में, तो h इक्वल टू आ गया 1.6 अपॉन रूट थ्री माइनस वन। क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर देंगे, तो रेशनलाइजेशन जब करेंगे रूट थ्री प्लस वन का ऊपर मल्टीप्लाई और अपॉन रूट थ्री प्लस वन का नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से हम इसका रेशनलाइजेशन करते हैं, क्योंकि जो वैल्यू होती है वही हम वैल्यू न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर में भी करते हैं, बस बीच में जो साइन होता है उसका हम बदल देते हैं। इसी तरीके से रेशनलाइजेशन हम देखते हैं, तो h इक्वल टू 1.6 इंटू रूट थ्री प्लस वन अपॉन ए माइनस बी ए प्लस बी, ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या हो जाता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ए की जगह पर कितना है रूट थ्री, यहाँ पर रूट थ्री का स्क्वायर लिख देंगे, माइनस बी की जगह पर कितना है वन वन का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। वही काम यहाँ पर करेंगे तो रूट थ्री का होल स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। इधर सॉल्व करते हैं, एच इक्वल टू 1.6 इंटू रूट थ्री प्लस वन अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाता है, माइनस वन का स्क्वायर वन हो जाएगा। तो एच इक्वल टू 1.6 इंटू रूट थ्री प्लस वन अपॉन थ्री में से बन जाएगा टू जाएगा। अब टू से डिवाइड करेंगे 1.6 को तो टू बन जाए टू, टू एट जा 16 मतलब 0.8 आएगा। तो एच इक्वल टू 0.8 अंडर रूट थ्री प्लस वन, ये हमारी वैल्यू निकल के आएगी मीटर में, कितनी मीटर में h की वैल्यू ये हमारी निकल के आएगी। तो जो पेडेस्टल की हाइट होगी वो कितनी होगी 0.8 रूट थ्री प्लस वन, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।